हेलो गाइस वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देती हूँ कि इस चैप्टर के हम तीन पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप अपनी तीनों वीडियोज़ को कम्प्लीट कर सकते हैं यहाँ तक हम चैप्टर को कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम पढ़ने वाले हैं सोइल एज अ रिसोर्स और सोयल एज ए रिसोर्स से पहले हम पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज़ क्या होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट को पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ाया कि रिसोर्स को हम किस तरह से प्लान करके यूज़ कर सकते हैं हमने पढ़ाया लैंड रिसोर्स क्या होते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से होता है और लैंड डिगार्डेशन और लैंड कंजर्वेशन को हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे सोयल एज अ रिसोर्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पर इंग्लिश के भी सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक हम सभी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अब हम क्वेश्चन आंसर और दूसरे जो बुक एक, एक्सरसाइज हैं उनको करने जा रहे हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करती हैं सोयल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्सेस तो सॉइल को क्या कहा गया है सोईल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो क्या हो सकता है रीन्यूएबल है रिन्यू हो सकता है इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ अब ये जो सॉयल होता है ये क्या करता है इसका क्या काम है ये प्लांट का ग्रोथ का काम करता है और सपोर्ट करता है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं अर्थ के ऊपर उनको द सॉयल इज अ लिविंग सिस्टम सॉइल क्या है एक लिविंग सिस्टम है इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉयल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ और सॉइल को बनने में कुछ सेंटीमीटर सॉइल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग सक लग जाते हैं रिलीफ पेरेंट रॉक एंड बैड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसी भी चीज़ को रिन्यू होने में कुछ समय लगता है तो वैसा ही सोयल के बारे में बताया गया है कि सॉइल की फॉर्मेशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पैरेंट रॉक है बैड रॉक है मतलब जहाँ पर वो रहती है क्लाइमेट कैसा होता है मतलब एटमोसफियर वातावरण वेदर कैसा होता है वेजिटेशन जो पेड़ पौधे होते हैं ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं और बताया गया कि दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं टाइम इम्पोर्टेंट होता है सोइल को फॉर्मेट होने में देखते हैं वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर एक्शन ऑफ रनिंग वाटर विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल तो सोइल को फॉर्मेट करने में कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जैसे कि वाटर है ग्लेशियर है विंड है और डीकम्पोजर हैं तो ये सारी चीजें भी सोइल को फॉर्मेट होने में मदद करती हैं देखिए केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द दोइल आर इक्वली इंपोर्टेंट जैसे ही हमने ऊपर सारी चीजें पढ़ी कि वेजिटेशन बहुत जरूरी होती है वो भी एक जरूरी स्थान रखती है क्लाइमेट जरूरी होता है एज ज़रूरी होता है वैसा ही यहाँ पर बताया कि केमिकल और जो वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो भी इतना ही जरूरी होते हैं जितना कि और सारी चीज़ें हैं सोयल आर कॉन्सेट्स ऑफ ऑर्गेनिक जिसे हम ह्यूमस कह सकते हैं एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल यानी कि सॉयल के अंदर खाद जैसी चीज़ें भी रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन कलर थिकनेस टेक्चर एज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अब आ, कहा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं सोयल को बनने के लिए कलर उसका कलर कैसा होगा उसकी थिकनेस कैसी होगी उसका टेक्स्चर टेक्स्चर मतलब आ, जो मिट्टी है वो मोटी है बारीक है या चिपचिपी है किस तरह की है टाइम को ध्यान में रखा जाएगा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं द सोइल ऑफ इंडिया आर क्लासीफाइड टाइप जो इंडिया की सोइल है उसे कई टाइप में क्लासीफाई किया गया है तो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं टाइप की सॉइल को तो चलिए स्टार्ट करती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सॉइल का क्लासिफिकेशन देखिए इंडिया हैज वैरिड रिलीफ फीचर्स लैंड फॉर्म्स क्लाइमेट रेम्स एंड वेजिटेशन टाइप अब जो इंडिया है इसमें जो लैंड है उसके बहुत सारे फीचर हैं जो क्लाइमेट है वो भी हर जगह अलग अलग होता है जो पेड़ पौधे हैं वो भी अलग अलग होते हैं ये सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं जो हमारी टाइप है उसे डेवलप होने में उ, मतलब सॉइल के डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो देखिए सबसे पहले पढ़ने वाले हम एलोवियल सॉइल दिस इज द मोस्ट वाइड वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल ये सबसे ज़्यादा फैली हुई और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सॉयल है इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलोवियल सोइल जितना भी नॉर्दर्न प्लेस है पूरा नॉर्दर्न प्लेस है वो किस मिट्टी से बना हुआ है एलोवियल सॉयल है वहाँ पर दिज हैव बीन डिपोजिटेड बाई थ्री इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम इंदूज गंगा और ब्रह्मपुत्र तो देखिए वहां पर कैसे वो डिपॉजिट होता है किस तरह से वो मिट्टी जो है जो सॉइल है वहाँ पर फॉर्मेट होती है किस किस का अहम रोल रहता है यहाँ पे बताया है कि जो तीन हिमालयन रिवर हैं उनका इंदुज का गंगा का और ब्रह्मपुत्र का दी दॉयल ऑल्सो एक्सटेंट इन राजस्थान गुजरात थ्रो द नैरो कॉरिडोर और कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में गुजरात में पाई जाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी ये मिट्टी पाई जाती है इन द डेल्टास ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ये चार नदियों के नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इनका जो डेल्टा बनता है वहां पर भी एलोवियल सॉइल होती है द एलुवियल सॉइल कॉन्सेट्स ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले तो देखिए जो इसमें मिट्टी पाई जाती है जिस टाइप की उसको बताया जा रहा है इसमें सेंड uh, पाया जाता है सिल्ट पाया जाता है क्ले पाया जाता है अब जो सेंड होता है वो थोड़ा लूज पार्टिकल का होता है सिल्ट जो होता है उससे कम पार्टिकल फाइन पार्टिकल वहाँ पर पाए जाते हैं और जो क्ले होती है वो थोड़ा चिपचिपी होती है एज वी मूव इंडियन टूवर्ड द रिवर वैलीज सोयल पार्टिकल अपियर सम वाट बिगर इन साइज इन द अपर Reaches ऑफ़ द रिवर वैली अब देखिए जब हम कहाँ पर जाते हैं अपर वैलीज़ की बात हो रही है और बात हो रही है प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप की स्लोप की ढलान की बात हो रही है वहाँ पर जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो इससे ज़्यादा बिग साइज़ में पाए जाते हैं यानी कि मिट्टी का जो टेक्सचर होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो उससे एलोवियल सॉयल में यहाँ पर डिफरेंस पाया जाता है कहाँ पर रिवर वैली में और ब्रेक ऑफ स्लोप में यहाँ के यहाँ पर जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े पाए जाते हैं द सोयल आर कॉर्स और सोयल कैसी होती है खुरदरी होती है जब जो पार्टिकल हैं वो बड़े होंगे तो मिट्टी कैसी होगी खुरदरी होगी सच सॉयल आर मोर कॉमन इन एपिड एपिड मोन्ट एपिड मोन्ट होता है जो जहाँ पर वैली में प्लेन होता है बताया जा रहा है कि जो माउंटेन होते हैं उसकी जो वैली होती है वहाँ पर जो प्लेन पार्ट होता है उसे एपिड मोन्ट कहा जा रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम भी दिए गए हैं दुरास चोस और तिराई तो यहाँ पर इन तीन तीन जगह का नाम बताया गया है तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं तिरई चोस और दुराज। यहां पर जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो लूज पार्टिकल पाए जाते हैं अब देखते हैं आगे ए पार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ दियर ग्रेन एंड कॉम्पोनेंट सोइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ दियर एज अब जो उसका साइज है ये सारी चीजें हैं उसके जो कॉम्पोनेंट हैं वो हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी एज के बेस पर हम हम उसे डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर एज एलोवियल सोयल कैन बी क्लासीफाइड एज ओल्ड एलोवियल बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बंगर एंड न्यू एलोवियल खादर तो देखिए यहाँ पर एलोवियल सोयल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक ओल्ड एलोवियल और दूसरा है आपका न्यू एलोवियल तो जो ओल्ड एलोवियल है उसे बांगर कहा जाता है और जो न्यू एलोवियल है उसे खादर कहा जाता है यहां पर बांगर और खादर के बीच डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है तो जान लेते हैं दोनों दोइल कंसंट्रेशन जो आपकी बांगर सोइल है उसमें हाई कंसेंट्रेशन देखने को मिलता है कंकर न्यूड्यूल्स डेन द खादर अब इसमें ज़्यादा जो कंकर हैं वो पाई जाती हैं खादर की अपेक्षा यानी कि जो आपका बांगर सोयल है उसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है खादर की सोयल से ईट और हाई कंसनट्रेशन वहाँ पर होता है ईट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर अब जो खादर सोयल होती है उसमें ज़्यादा फाइन फाइन मीन्स बारीक उसमें ज़्यादा बारीक पार्टिकल पाए जाते हैं और वो ज़्यादा उपजाऊ होती है फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ होना और बांगर सोयल से वो ज़्यादा उपजाऊ होती है तो ये डिफरेंस आप क्वेश्चन में के आंसर में लिख सकते हैं एलुवियल सोइल इज अ होल आर वेरी फर्टाइल जो एलुवियल सोइल होती है वो पूरी तरह से उपजाऊ होती है मोस्टली दी सोइल कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास फॉसफोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन पैडी वीट एंड क्रेल्स एंड पल्सिस क्रोप तो उसके अंदर एलुवियल सॉयल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर पोटास फास्फोरिक एसिड लाइम ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो शुगर कैन पैडी वीट इन सब की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं ड्यू टू हाई फर्टिलिटी रीज़न ऑफ एलुवियल सॉयल आर इंटेंसिवली कल्टिवेट एंड डेंसली पॉपुलेटेड अब जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा पॉपुल ज़्यादा उपजाऊ होगी वहाँ पर क्या होगा लोग ज़्यादा खिजे चले जाएँगे और ज़्यादा ही वहाँ पर कल्टिवेशन होगा तो एलुवियल सोयल के ज़्यादा के अंदर ज़्यादा फर्टिलिटी होने की वजह से वहाँ पर वहाँ का जो इलाका है वो डेंसली पॉपुलेट है और वहाँ पर कल्टिवेशन भी ज़्यादा होता है सोइल इन द ड्रायर एरियाज़ आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन तो जहाँ पर ये जो सॉइल पाई जाती है और जो एरिया है वो ड्रायर है यानी कि ज़्यादा वहाँ पर सूखा रहता है वहाँ पर वो सॉइल एल्कलाइन हो जाती है लेकिन उसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है ट्रीटमेंट के द्वारा और इरीगेशन सिंचाई करके और उसका ट्रीटमेंट करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक सोयल के बारे में ब्लैक सोयल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है काली मिट्टी हम इसे कह सकते हैं दी सोयल आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज ड्रैगर रैगर सोयल ये देखने में कैसी होती है काली होती है उन्हें इन्हें रैगर सोयल के नाम से भी जाना जाता है ब्लैक सोयल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल इसमें कॉटन उगाई जाती है और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेट कंडीशन अलोंग विद विद पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह से पेरेंट रॉक होगी उसी तरह की सोइल बनेगी तो यहाँ पर ये भी यही बात बताई गई है कि जो पेरेंट रॉक मटेरियल है वो ब्लैक है इस यही फैक्टर है कि यहाँ ये जो मिट्टी होती है ये काली होती है दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेकन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेकन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोर्स तो देखिए ये कहाँ पर पाई जाती है नॉर्थ वेस्ट डेकन प्लेट्यू में पाई जाती है ये पूरी तरह से वहां पर फैली हुई है और किससे फॉर्मेट हो, होती है किससे बनती है ये ऑफ लावा फ्लोज लावा के बहने से बनती है दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंट इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली तो देखिए यहाँ पर बताई गई है कि कहाँ कहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे बताया कि महाराष्ट्र में सौराष्ट्र में मालवा मध्य प्रदेश बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंट इन द साउथ ईस्ट में भी ये देखने को मिलती है और गोदावरी और कृष्णा वैली में भी पाई जाती है ब्लैक सोयल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेली मटीरियल तो जो ब्लैक सोयल होती है वो कैसी होती है उसका मटीरियल जो है तो फाइन होता है क्लेली होता है दे आर वेल नोन फॉर दियर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर और वो जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को नमी को होल्ड करके रखने की इन एडिशन दे आर रिच इन सोयल न्यूट्रेंट्स उनमें सॉयल न्यूट्रेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सच आर सच एज कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास ये सारी चीज़ें ब्लैक सोयल में पाई जाती हैं और यहाँ पर आप मैप भी देख पा रहे हैं मैप में सारी चीज़ें बताई गई हैं और यहाँ पर बताया गया है कलर देकर कि यहाँ पर जो ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर फॉरेस्ट एंड माउंटेन है यहाँ पर ये यह शो करता है लाइट ग्रीन एलोवियल सॉइल रेड एंड येलो सॉइल ये ब्लैक सोयल है और इलेक्ट्रिक सॉइल है और ये एरिड सॉइल है जिन सभी को हम अभी पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर आप एरिया भी देख पा रहे हैं पूरा डिटेल में दिया गया है आप इसे अच्छे से तैयार कर लें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है दी सोयल आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कॉन्टेंट और ये जो कॉन्टेंट्स ये जो ब्लैक सोयल होती है इसमें फॉस्फोरिक कॉन्टेंट्स कम पाए जाते हैं पुअर होती है इसमें दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वैदर जैसे ही गर्म मौसम आता है तो इसमें धरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं विच हेल्प द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉयल जो किस चीज़ में मदद करती हैं एरिएशन मीन्स होता है हवा जाना तो मिट्टी के अंदर आसानी से जो हवा है वो पहुँच जाती है दी सॉयल आर स्टिकी वैन वैट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलैस टिल्ड इमिडिएटली आफ्टर द फर्स्ट सावर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड जैसे ही प्री मानसून आता है फर्स्ट सावर आती है तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये स्टिकी होती है वेट हो जाती है गीली हो जाती है तो इस पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है अब हम पढ़ेंगे रेड एंड येल्लो सोइल तो देखिए रेड एंड येल्लो सॉइल कहां पर पाई जाती है कैसा इसका टेक्चर होता है रेड येल्लो सॉरी रेड सोयल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेसियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेकन प्लेट्यू ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट के डेकन प्लेट्यू में ये पाई जाती है और ये कैसे डेवलप होती है क्रिस्टलाइन करने से इग्नीसियस रॉक जो होती है उस पर क्रिस्टलाइन करने से कम रेनफॉल होने की वजह से ये ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में डेकन प्लेटी पर पाई जाती है येल्लो एंड रेड सोयल आर आल्सो फॉर्म्ड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा जो रेड और येल्लो सोयल है वो कहाँ पर पाई जाती है उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग देडमोन्ट पेडमोंट मैंने आपको बताया था पेडमोन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट यहाँ इन सब जगह पर जो रेड और येलो सॉयल है वो पाई जाती हैं दी सोइल डेवलप रेडिस कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामोफ्रिक रोक अब ये कलर ऐसा क्यों बनता है जो आयरन होता है वो डिफ्यूज़न करता है किसमें में क्रिस्टलाइन में और मेटामेफ्रिक रोक में तो इसका कलर रेड हो जाता है इट लुक येलो वैन इट ओकर इन द हाइड्रेटेड फॉर्म और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है यानी कि इस पर पानी लगता है तो वो कैसी दिखाई देती है कलर में येल्लो दिखाई देती है अब हम पढ़ेंगे लैटरेट सोइल लेटरेट सोइल कैसी होती है कहाँ पर पाई जाती हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं लेटरेट हैज बीन ड्रीवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर तो जो लेटरेट वर्ड आया है वो कहाँ से लिया गया है ये एक लैटिन वर्ड है लेटर का विच मीन ब्रिक जिसका क्या मतलब होता है ब्रिक मतलब होता है जिसका द लेटरेट सोइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन तो देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है जहाँ पर आ, गर्मी रहती है उमस रहती है और वहाँ पर मौसम जो है बदलता रहता है तो देखिए ये यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ये कहाँ पर डेवलप होती है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होती है जो अल्टरनेट रहता है यानी कि कभी वेट भी, भी रहता है और कभी ड्राई भी रहता है दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ़ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन अब लीचिंग क्या होता है लीचिंग होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं मिट्टी के अंदर वो बहाकर ले जाए जाते हैं उसे कहते हैं हम लीचिंग तो दिस सोयल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग सो लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन हैवी रेन के कारण जब लीचिंग होती है सारी चीज़ें जो है बहाकर ले जाई जाती हैं तब ये मिट्टी जो है डेवलप होती है ये मिट्टी बनती है लाइट्रेटिक सोयल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप और दूसरी जो मिट्टी होती हैं दूसरी जो सॉयल होती हैं उनकी कंपेरिजन में ये ज़्यादा थिक लेयर की होती हैं ज़्यादा डीप तक होती हैं एसिडिक जनरली डेफिशेंट इन प्लांट न्यूट्रिय एंड मोस्टली इन साउथ वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र डिसा सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट रीजन व्ही आर दीज सोय सपोर्ट डैकेडियस एंड एवर ग्रीन फॉरेस्ट जी तो इनके अंदर ये जो लेट्रिक सोयल हैं ये गहरी होती हैं ये आपने पढ़ लिया है इसमें एसिडिक पाया जाता है जनरली इसमें क्या है अभी बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं उनमें वो इतना न्यूट्रेंट्स उन्हें नहीं दे पाती हैं क्योंकि हमने पढ़ा है मिट्टी कैसे बनती है जब जो न्यूट्रेंट्स हैं रेन के द्वारा वो बहा कर ले जाए जाते हैं तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर ये प्लांट प्लांट के लिए यहाँ पर इन इनके अंदर डिफिशेंसी होती है अब ये कहाँ पर पाई जाती है ये वेस्टर्न स्टेट में पाई जाती है वेस्टर्न घाट रीजन में पाई जाती है महाराष्ट्र उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पाई जाती है और ये जो सॉयल है ये मिट्टी होती है ये कि सपोर्ट करती है डेकेडियस फॉरेस्ट को और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है यहां पर ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं इट इज ह्यूमन रिच ह्यूमस रिच इसके अंदर ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरमेंट और इसके लिए एक मिनट एक मिनट बट अंडर वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड मेंट यहां पर क्या होता है ये कहां पर पनपती हैं ज्यादा फैलने वाली वेजिटेशन में और जहां पर सेमी एरिड एरिड क्या होता है कुछ खुश्क सा एनवायरमेंट रहता है वहां पर इट इज जनरली ह्यूमस पुअर और ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो जाती है कम मात्रा में ह्यूमस रह जाती है दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिगार्टेशन ड्यू टू ड्यू टू दियर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इनका डिगार्टेशन बहुत ज़्यादा होता है इनका सोयल इरेजन यानी कि इस मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होने लगता है लैंडस्केप पर आफ्टर अडोप्टिंग एप्रीप्रिएट सोयल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलरली इन दिली एरियाज़ कर्नाटक केरला एंड तमिलनाडु दिस सॉयल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी तो ये जनरली ह्यूमस पुअर हो जाती हैं इनका डिगार्डेशन होना शुरू हो जाता है लेकिन सही टेक्निक कंजर्वेशन की सही टेक्निक को अपना कर हिली एरियाज में हम इसे उपजाऊ बना सकते हैं जैसे कर्नाटक है केरला है तमिलनाडु है वहां पर ये मिट्टी टी और कॉफी ग्रो करने के लिए यूजफुल होती है रेड लेट्रिक सोयल इन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक नट जैसे काजू जैसी चीज़ों के लिए ये मिट्टी जैसे तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश है केरला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुटेबल है अब हम जानेंगे एरिड सोइल के बारे में और एरिड सोइल क्या होती हैं जहाँ जो मतलब जा जहाँ पर ज़्यादा खुश्क रहती है सारी चीजें एरिड सोइल जो होती है वो थोड़ी खुश्क रहती है अभी हमने पढ़ा दूसरी जो सॉइल होती है वो स्टिकी होती है सैंडी होती है क्लेरी होती हैं लेकिन ये थोड़ी खुश्क रहती है एरिड सोयल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर और ये रेड से ब्राउन कलर में होती हैं. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर क्योंकि खुश्क होती हैं तो टेक्स्चर में कैसी होंगी सैंडी होंगी स्लाइन होंगी नेचर में इन सम एरियाज द शॉल्ट कंटेंट वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑपटेन बाई द इवेपरेशन इवेपरेटिंग ऑफ वाटर तो इनके अंदर क्या होता है सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कई बार तो वाटर को इवेपरेट करके कॉमन सॉल्ट निकाल लिया जाता है ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से हाई टेम्परेचर होने की वजह से इवेपरेट इज फास्ट जो इवेपरेट होता है वो तेजी से होता है एंड द सॉयल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर और क्या होता है जो सॉयल होती है उसमें कम ह्यूमस होता है और मॉइस्चर भी कम होता है द लोअर हॉरीजोन ऑफ द सोयल आर ऑक्युपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कैल्शियम कॉन्टेंट ऑन डाउनवर्ड तो देखिए ये जो लो इसका जो लोअर हॉरीजोन होता है सोयल का इसमें क्या पाया जाता है कंकर पाई जाती है क्योंकि इसमें क्या इंक्रीज हो जाता है क्या बढ़ जाता है इसमें कैल्शियम कॉन्टेंट बढ़ जाता है नीचे की तरफ द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बोटम हो रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर अब कंकर होने की वजह से क्या हो जाता है पानी का जो फिल्ट्रेशन होता है वो रुक जाता है आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दी सोइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान अब अच्छे से इरिगेशन करने के बाद ये जो लैंड होती है जो सॉइल होती है इसे उपजाऊ या क्रॉप को उगाने के लायक बनाया जा सकता है कुछ इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में किया जाता है अब पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट सॉइल को फॉरेस्ट सोयल दी सोयल आर फाउंड इन हिल एंड माउंटेन एरियाज ये जो सोयल होती है ये कहाँ पर पाई जाती है ये हिलली और माउंटेन एरियाज में पाई जाती है वेयर सुफिशेंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल जहाँ पर जो है उचित मात्रा में रेन होती है द सोइल टेक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट और जो सॉयल होती है उसका टेक्चर कई तरह का हो सकता है जिस तरह का माउंटेन uh, एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल वैसे ही हो सकता है वेयर दे आर फाउंड जहाँ पर वो पाई जाती हैं मतलब जिस तरह के माउंटेन पर वो सॉइल पाई जाती हैं उसी तरह का उनका टेक्स्चर हो सकता है दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड वो जो है लूमी होती हैं और सिल्टी होती हैं वैली साइड्स में एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप और जो अपर स्लोप होते हैं यानी कि ऊपर की जो ढलान होती है वहाँ पर वो खुरदरी होती हैं क्रॉप मीनस होता है कोर्स मीन्स होता है खुड़दरी इन द स्नो कवर्ड एरियाज और जहां पर स्नो होता है उन एरियाज में ऑफ हिमालय हिमालय के क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ती है दी सोयल्स एक्सपीरियंस डे एंड एयर एसिडिक विद लो ह्यूमस कॉन्टेंट और ऐसी जगह पर डेन्यूटेशन हो जाता है यानी कि एक जगह मिट्टी जो है इकट्ठी हो जाती है एसिडिक होती है और इसमें कम ह्यूमस पाया जाता है द सोयल फाउंड इन द लोअर पार्ट जो मिट्टी लोअर पार्ट में पाई जाती है वैलीज के पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरिस एंड एलोवियल फैंस आर फर्टाइल वहाँ पर जो रिवर uh, टेरेस होती हैं और एलोवियल होती हैं वो ज़्यादा फर्टाइल होती हैं तो अभी हमने जाना कि सॉयल के कितने टाइप होते हैं आ, कौन सी सॉइल कहाँ पर पाई जाती है किस किस तरह से वो फॉर्मेट होती हैं और किस तरह का उनका टेक्सचर होता है अब हम जानेंगे कि सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन क्या होता है सबसे पहले इसके मीनिंग को जान लेते हैं सॉयल इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव यानी कि वो अपनी जगह से बहकर कहीं और चली जाती है उड़कर कहीं और चली जाती है सॉइल इरोजन होता है सोइल कंजर्वेशन मीन्स होता है उसको किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं किस तरह से हम उसे बचा सकते हैं द डेन्यूडेशन ऑफ द सोइल कवर एंड सब्सिक्यूटेंस सब्सिक्यूंट वॉशिंग डाउन द डिक्रीज एज सोइल इरोजन तो सॉइल इरो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है मिट्टी का एक जगह इकट्ठा हो जाना या अपनी जगह से वॉश हो जाना बह जाना वो कहलाता है सॉइल इरोजन द प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन एंड इरोज़न गो ओन सिम्यसली एंड जनरली देयर आर बैलेंस बिटवीन द टू मतलब जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन होना इरेजन होना मतलब उनके बीच एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है समटाइम्स द बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफोरेस्टेशन ओवरग्रेजिंग कंस्ट्रक्शन है माइनिंग एक्सेट्रा वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक वाइल्ड ग्लेशियर वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन तो देखिए अगर इनका कभी कभी क्या होता है डिसबैलेंस क्यों होता है कभी कभी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिफोरेस्टेशन पेड़ों का काटा जाना ओवरग्रेजिंग या फिर कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा काम या माइनिंग ज़्यादा होना या कभी कभी नेचुरल फोर्सेस भी जैसे कि तेज़ हवा का आ जाना ग्लेशियर का गिर जाना या फिर वाटर का वाटर बाढ़ आ जाना ये कह सकते हैं तो इनकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि सॉयल इरोजन हो जाता है

फॉर कल्टीवेशन ऐसी में जो land होती है वो कल्टीवेशन के लिए unfit हो जाती है यानी कि हम कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं और के यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैड लैंड कैस किस सॉइल को कहते हैं इन द चंबल बेसिन चंबल की बात बताई जा रही है सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवेंस और ऐसी ऐसे जो चैनल्स होते हैं या ऐसी जो लैंड होती हैं उसे रिवाइंस कहा रिवाइंस कहा जाता है सम टाइम वाटर फ्लोज एज अ सीट कवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप कभी कभी क्या होता है जो वाटर होता है वो एक शीट के रूप में आता है एक बड़े से एरिया में इन सच केसेस और ऐसे केस में क्या होता है टॉप सॉइल इज फॉस्ड अवे और जो ऊपर की जो सोइल होती है वो क्या हो जाती है बह जाती है दिस इज नोन एज सीट इरोजन और इसे सीट इरोजन के नाम से जाना जाता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सीट इरोजन क्या होता है विंड ब्लो लूज यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हम जो सोइल है उसे कंजर्व कर सकते हैं या सॉइल इरोजन क्या होता है यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं जरूर आते हैं और विंड ब्लो फ्लैट और स्लॉपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन अब विंड इरोजन क्या होता है यहाँ पर यहां पर हमने जाना कि शीटी इरोजन क्या होता है कभी कभी क्या होता है जो विंड होती है वो जो लूज सॉयल होती हैं। जब फ्लैट होती हैं उसे बहाकर अपने साथ ले जाती हैं उसे हम कहते हैं विंड इरोजन सोयल इरोजन इज आल्सो तो कोज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ ऑफ फार्मिंग कभी कभी ऐसा होता है कि गलत तरीके से जब फार्मिंग की जाती है तब भी सॉइल इरोजन हो जाता है जैसे कि प्लोइंग इन अ रोंग वे अगर गलत तरीके से खेत को जोता जाता है अप एंड डाउन द स्लोप जैसे कि पहाड़ी इलाके होते हैं आप देख पा रहे हैं कि पहाड़ी इलाके में अगर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से जो है प्लोइंग की जाए तो इस इससे क्या होगा मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो जाता है तो यही बात यहाँ पर बताई गई है प्लोइंग इन द रोंग वे जब गलत तरीके से हम खेत को जोतते हैं अप एंड डाउन स्लोप फ्रॉम द चैनल फ्रॉम फोर द

स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप देखिए मैं अभी बता देती हूँ आपको कॉन्टोर प्लेइंग यानी कि हम जो आ, खेती करते हैं वो इस तरीके से हो जैसे कि माउंटेन है माउंटेन पे हम इस तरह से ना करके प्लोइंग को हम इस तरह से जैसे कि आपने देखा भी होगा पहाड़ियों पर टेरिस फार्मिंग होती है इस तरह से जो है माउंटेन होते हैं और उन पे इस तरह से जो है खेती की जाती है तो इससे जो पानी होता है उसे निकलने की जगह कम मिलती है और इससे सोयल इरोजन बच जाता है तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरिस जैसे कि मैंने आप बता अभी बताया आपको कि किस तरह से जो स्टेप्स होते हैं वो बनाए जा सकते हैं टैरिस बनाए जा सकते हैं टेरिस कल्टिवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन और ये जो टैरिस कल्टिवेशन होता है इससे सॉइल इरोजन जो है रुक जाता है वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज़ हैव वेल डेवलप टेरेस फार्मिंग और जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालिया हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स और जो बड़े बड़े मैदान होते हैं उन्हें हम स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स अब फसल जो है उगा दी जाती है जैसा कि मान लो हम इस तरह से फ़सल को ग्रो कर रहे हैं और जो बीच का जो पार्ट रहता है उस पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम क्या ग्रो कर सकते हैं उस पर हम घास को ग्रो कर सकते हैं स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स यानी कि ये जो फसल है इसके बीच में हम यहाँ पर घास को ग्रो कर सकते हैं क्या होगा उससे दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड इससे जो हवा की फोर्स है वो रुक जाती है दिस मैथड इज नॉन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग और इस मैथड को क्या कहा जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है जरूर याद रखेंगे प्लांटिंग लाइन प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर पीछे बताया भी गया था सेल्टर बेल्ट के बारे में तो यहाँ पे देखिए यही बात बताई जा रही है कि लाइन में हम प्लांट को लगा देते सॉरी ट्रीज़ को प्लांट कर देते हैं क्या करने के लिए शेल्टर क्रिएट करने के लिए ऑल्सो वर्क इन अ इन अ सिमिलर वे और ये भी इसी तरीके से काम करता है कि ये जो है हवा की फ़ोर्स को या जो पानी की फोर्स है उसको कम कर देता है रोज ऑफ सच ट्रीज ये जो लाइनें होती हैं इस तरह के पेड़ की आर कार्ड शेल्टर बेल्ट और इन्हें शेल्टर बेल्ट कहा जाता है दी शेल्टर बेल्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिस टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन द ऑफ द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया तो इस तरह की जो ये जो शेल्टर बेल्ट है ये जो सेंड्यून्स होते हैं उन्हें स्टेबलाइजेशन करने में काम आती हैं उन्हें रोकने में काम आती हैं और जो डेजर्ट हैं वेस्टर्न इंडिया में वहाँ पर शेल्टर बेल्ट को यूज किया जाता है तो इस तरह से ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट आई होप आपको समझ में आया होगा देखते हैं यहाँ पर शायद एम सी क्यू है हाँ यहाँ पर एम सी क्यू है पाँच इनको करने की कोशिश करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सिस इज आयरन और तो आयरन किस तरह का रिसोर्सेज है यह है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट टाइडल एनर्जी के अंडर में क्या नहीं आता है टाइडल में ह्यूमन मेड आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिगार्डेशन इन पंजाब पंजाब में सबसे ज्यादा लैंड डिगार्डेशन का कौन सा कॉज है ओवर इरीगेशन आगे देखते हैं नंबर फोर पे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरिस कल्टिवेशन प्रैक्टिस पंजाब नहीं यहाँ पे आएगा उत्तराखंड क्योंकि उत्तराखंड में ही पहाड़ हैं और पहाड़ के ऊपर ही टेरेस फार्मिंग की जाती है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सोयल इज प्रेडिमेंटली फाउंड ये होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर राजस्थान झारखंड महाराष्ट्र महाराष्ट्र में यहाँ पर पाई जाती है क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि कॉटन ग्रो की जाती है और कॉटन ग्रो की जाती है नहीं राजस्थान में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो की जाती है तो इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए बाय बाय